प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। आज हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणता की अवधारणा से क्या तात्पर्य। जब किसी अणु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन धनात्मक पोल की तरफ आकर्षित होते हैं तथा नाभिक ऋणात्मक पोल की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के विस्थापन से अणु में ध्रुवणता आ जाती है, जिससे ये एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा जो हमको म्यू आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो म्यू आई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा अणु की ध्रुवणता पर निर्भर करती है, अर्थात म्यू आई इज इक्वल टू म्यू एल्फा इंटू ई। समीकरण नंबर फर्स्ट से हम इसको दे सकते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति न्यू हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की जो सामर्थ्य है उसको हम ई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन टू पाई ओमेगा टू पाई न्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर दो से दे सकते हैं। यदि हम समीकरण एक और दो को मिला दें तो हमारी जो म्यू आई का मान हमें मिलेगा, म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा ई जीरो साइन टू पाई न्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर तीन से दे सकते हैं। इस समीकरण तीन के अनुसार प्रेरित द्विध्रुव विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति से दोलन करते हैं। यह पदार्थ द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के रेले लाइनों की उपस्थिति को भी समझाता है। इसी प्रकार आंतरिक कंपनिक या घूर्णन गतियों के कारण ध्रुवणता के मान में आवर्ती परिवर्तन के कारण रमन लाइनें बनती हैं। अतः कुल ध्रुवणता का मान जो होगा वो एल्फा इज इक्वल टू होगा एल्फा जीरो प्लस बीटा साइन टू पाई न्यू आई इंटू टी। समीकरण नंबर चार से हम इसको दे सकते हैं, जहाँ पर एल्फा जीरो साम्य अवस्था में ध्रुवणता है, बीटा कंपन या घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर में परिवर्तन है, और वी आई कंपन या घूर्णन की आवृत्ति है। अतः समीकरण तीन व चार से यदि हम मान देखें तो जो म्यू आई का मान होगा म्यू आई इज इक्वल टू जाएगा हमारा एल्फा जीरो प्लस बीटा साइन टू पाई न्यू आई टी मल्टीप्लाइड ई जीरो साइन टू पाई न्यू टी। और इसको हम आगे विस्तृत कर दें तो म्यू आई इज इक्वल टू एल्फा जीरो ई जीरो साइन टू पाई न्यू टी प्लस बीटा ई जीरो साइन टू पाई न्यू आई टी मल्टीप्लाइड साइन टू पाई न्यू टी। और इसमें भी यदि हम फर्स्ट पार्ट को देखें जो कि हमारा एल्फा जीरो ई जीरो साइन टू पाई न्यू टी है, दूसरा हमारा सेकंड पार्ट इसका जो हाफ बी ई जीरो साइन कॉस ऑफ न्यू माइनस न्यू आई मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ बीटा ई जीरो कॉस टू पाई न्यू प्लस न्यू आई इंटू टी होगा। इस समीकरण जो इसको हम पांच समीकरण कह सकते हैं, वो तीन पार्ट हो गए हमारे, तो इसको हम समीकरण पांच में जो म्यू आई के तीन पद हैं इनमें से पहला पद जिसमें अणु आपतित विकिरण की समान आवृत्ति न्यू से दोलन करता है, जबकि पद सेकंड व थर्ड में अणु न्यू माइनस न्यू आई व न्यू प्लस न्यू आई आवृत्तियों से दोलन करता है। अतः यह संभव है कि दोलित्र द्विध्रुव आवृत्ति यानी न्यू माइनस न्यू आई व न्यू प्लस न्यू आई के विकिरण उत्सर्जित करता है। ये रेले लाइनों के दोनों तरफ रमन लाइनों की उपस्थिति को दर्शाता है, और जो कम आवृत्ति जिसको हम कहते हैं कि न्यू माइनस न्यू आई वाली रेखाओं
को स्ट्रोक लाइन तथा उच्च आवृत्ति जिसको हम कहें कि वी न्यू प्लस न्यू न्यू आई वाली रेखाएं एंटी स्ट्रोक लाइन को शो करती हैं। यदि समीकरण पाँच में बीटा का मान शून्य कर दिया जाए तो हमारे जो म्यू आई का मान है वो म्यू आई हो जाएगा हमारा अल्फा जीरो ई जीरो साइन टू पाई न्यू टी, अर्थात इसमें रमन लाइन उपस्थित नहीं होंगी और अणु रमन एक्रिय होगा। अतः अणु के रमन सक्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि अणु की कंपन या घूर्णन गतियों के कारण आणविक ध्रुवणता में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। तो ये हमारी इस पोलर ध्रुवणता की कॉन्सेप्ट होती है। अब है हमारा प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं कि एक द्वि दृढ़ घूर्णी रिजिड रोटेटर के लिए घूर्णन ऊर्जा का मान ई न्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन, और इसको कह सकते हैं बी जे इंटू जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको यदि हम आवृत्ति के रूप में लें तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस वन, और मैं कह दूं कि बी जे इंटू जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स, जहां पर बी जो है वो हमारा है एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एच सी और जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री कुछ होता है। एक द्विपरमाणु कणों के लिए शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो हमारा चैन का नियम है वो है डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो या डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। यदि हम डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो पर देखें तो केवल रेले लाइन्स ही होती हैं, जब डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस हो तो ये संक्रमण स्टॉक लाइनों को दर्शाती हैं, जबकि जे इज इक्वल टू माइनस टू में संक्रमण एंटी स्टॉक लाइन रेखाओं को दर्शाती हैं। अतः दो ऊर्जा स्तरों के लिए जो तरंग संख्या होगी हमारी वो होगी डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी जे डैश मल्टीप्लाइड जे डैश प्लस वन माइनस बी जे डबल डैश मल्टीप्लाइड जे डबल डैश प्लस वन, इसको समीकरण नंबर दो से हम दर्शा सकते हैं, जहां पर डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस टू, अर्थात डेल्टा जे इज इक्वल टू जे डैश माइनस जे डबल डैश बराबर दो हो तो उस स्थिति में हमारा डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू जाएगा बी डेल्टा जे डैश प्लस टू मल्टीप्लाइड डेल्टा जे डबल डैश प्लस थ्री माइनस बी जे डबल डैश मल्टीप्लाइड जे डबल डैश प्लस वन, और इसको हम सॉल्व करें तो ये जाएगा हमारा बी जे फोर जे डबल डैश प्लस सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम समीकरण नंबर तीन कह सकते हैं, और जहाँ पे जे डबल डैश इज इक्वल टू जीरो वन टू टू है। इसी प्रकार यदि हम डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस टू पर देखें, अर्थात डेल्टा जे इज इक्वल टू जे डैश माइनस जे डबल डैश अर्थात बराबर माइनस टू हो तो उस स्थिति में हमारा जो डेल्टा बी बार है डेल्टा न्यू बार है वो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू माइनस फोर जे प्लस सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, जहाँ पर जे डैश इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, समीकरण नंबर फोर से हम देख सकते हैं। अतः समीकरण तीन और चार को यदि हम मिला दें तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू बी बार इज इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस बी मल्टीप्लाइड फोर जे प्लस सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पर जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री होता है। किसी रमन लाइन की जो तरंग संख्या है उसको हम दे सकते हैं वी बार इज इक्वल टू वी बार जीरो प्लस डेल्टा वी बार, जहाँ पर वी बार जीरो रेले लाइनों के लिए तरंग संख्या है, और इसको हम समीकरण छः से इस प्रकार देते हैं कि वी बार इज इक्वल टू वी बार जीरो प्लस माइनस बी मल्टीप्लाइड फोर जे प्लस सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स।
और यहाँ पर हम यदि स्टॉक लाइन की और एंटी स्टॉक लाइन की बात करें तो स्टॉक लाइन के लिए जो हमारा मान होगा होगा स्टॉक लाइन यानी वी बार इज इक्वल टू स्टॉक लाइन के लिए तो वी बार जीरो माइनस बी फोर मल्टीप्लाइड फोर जे प्लस सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि एंटी स्टॉक लाइनों के लिए ये मान होगा हमारा वी बार इज इक्वल टू वी बार जीरो प्लस बी मल्टीप्लाइड जे प्लस फोर जे प्लस सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स। अतः समीकरण जो सात है, समीकरण सात में V बार से कम तरंग संख्या पर जो रमन स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है उसे S ब्रांच या स्टॉक लाइन कहते हैं तथा V बार जीरो से अधिक तरंग संख्या पर जो रमन लाइन प्राप्त होती है उन्हें एंटी स्टॉक लाइन कहते हैं।